नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। विपक्षी अलायंस से जुड़े, विपक्षी गठबंधन से जुड़े इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। नीतीश कुमार को संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकराने की खबर सामने आ रही है। एमके स्टालिन के आग्रह पर कांग्रेस ने नीतीश कुमार से संयोजक बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। नीतीश कुमार कांग्रेस से संयोजक बनने के पक्ष में हैं, और इसी बीच खबर यह भी है कि मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस पर भी अंतिम फैसला नहीं हो चुका है, और सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी अखिलेश यादव से चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही कोई ऐलान संभव है। तो इंडिया अलायंस को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो ये कि नीतीश कुमार को संयोजक बनने का ऑफर किया गया था, लेकिन ये ऑफर नीतीश कुमार के बाद की ओर से ठुकरा दिया गया। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार नहीं तो और कौन? आपको बताएं कि एमके स्टालिन के आग्रह पर कांग्रेस ने नीतीश कुमार से संयोजक बनने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। अब समस्या ये है और सवाल ये भी कि अगर ये अहम की लड़ाई जारी रही तो इंडिया अलायंस की नैया कौन पार लगाएगा? नीतीश कुमार अब ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस से ही कांग्रेस संयोजक जो है वो बनाया जाए, इसी पक्ष में है। और लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था, हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। संयोजक की बात और मुख्यमंत्री जी का था कि संयोजक की बात नहीं हुई है, हुई है, हुई है उनकी बात, लेकिन और लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। हाँ, और कोई बात नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन अभी अभी उस पर कोई मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति अभी नहीं दी। तो पहले तो संयोजक कौन होगा ये बड़ा सवाल, और फिर उसके बाद जब संयोजक बनाने की बारी आई, नीतीश कुमार का नाम सबको पसंद आया तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया। चलिए आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली में ये जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई है उसमें आखिर हुआ क्या है। देखिए, सभी दल, इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं, वो सभी अब खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष बनाने के ऊपर सहमत दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार तो इनकार कर चुके हैं और खड़गे ही इस वक्त सबसे सीनियर लीडर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, ममता और अखिलेश से चर्चा के बाद नाम का ऐलान होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि खड़गे को संयोजक बनाया जाए और उसमें कोई बड़ा पेच ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की तरफ से फंसा दिया जाए। तो पहले इनसे चर्चा की जाएगी, ऐलान अब उसके बाद किया जाएगा। उधर संयोजक बनने पर नीतीश ने दिलचस्पी दिखाई नहीं, हालांकि शुरुआत से यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं, नहीं बनाए जाने पर वो नाखुश है, लेकिन अब उन्हीं की तरफ से इनकार किया गया है। देखिए, नीतीश ने संयोजक बनने के कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार के मन में क्या है आखिर, समझ कौन पाएगा। देखिए, नीतीश कुमार कांग्रेस की ओर से ही संयोजक चाहते हैं, तो इतना साफ हो गया कि नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कर दिया कि अगर खड़गे को बनाया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब किसी और को आपत्ति ना हो जाए, ये बड़ा सवाल। सीट शेयरिंग और नीतीश के नाम के ऊपर टीएमसी जरूर नाखुश दिखाई दी, ममता बनर्जी नाखुश दिखाई दी। अब ममता बनर्जी क्या खड़गे के नाम पर संतुष्ट होती है या फिर नहीं होती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बार बार मीटिंग इसलिए बुलाई जा रही है कि शायद कोई सोल्यूशन निकल पाए, लेकिन रशा कसी, नाराजगी, खींचतान के अलावा कुछ मीटिंग्स से निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी खुश नहीं है। सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर कोई ठोस बात नहीं हो पाई है। टीएमसी की नाराजगी सीट शेयरिंग को लेकर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से टीएमसी से कहा गया था कि 8 से 10 सीटें हमें वेस्ट बंगाल में दी जाए, लेकिन टीएमसी का यह कहना है कि जिन 2 सीटों पर कांग्रेस वेस्ट बंगाल में जीती है वही 2 सीटें हम देंगे। तो खींचतान लगातार जारी है, और इस खींचतान के बीच टीएमसी की नाराजगी भी सीट बंटवारे को लेकर दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर कोई ठोस बात नहीं बन पाई है, और इसी डिले को लेकर अब टीएमसी में नाराजगी दिखाई दे रही है, और ये नाराजगी खुले तौर पर अब दिख भी रही है, क्योंकि आज जो मीटिंग होनी थी उस बैठक का हिस्सा बनना मंजूर नहीं किया गया है ममता बनर्जी की ओर से। और चलिए रुख कर लेते हैं न्यूज 18 इंडिया के, नीरज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। नीरज, ये तो वही बात हो गई कि किसी भी बात पर सहमति इंडी गठबंधन में नहीं दिखाई दे रही है। 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी सीधा 1 महीना आगे बढ़ा दिया गया, अपडेट क्या है पूरे मामले पर? देखिए, अगर आज की बैठक की बात करें तो सीट शेयरिंग का मसला चल रहा है, जो नाराजगी ममता बनर्जी की सीट शेयरिंग को लेकर है वो एक अलग है, क्योंकि आज की बैठक में ममता बनर्जी नहीं थी, लेकिन आज
बैठक के बाद करीब दो घंटे तक बैठक चली। बैठक के अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, पहला ये कि नीतीश कुमार संयोजक पद में अब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने को लेकर आज की बैठक में शामिल दल अग्री है और दूसरे दलों से इस बारे में राय ली जाएगी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को आपत्ति नहीं होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी गठबंधन के अध्यक्ष बनेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, गठबंधन के अंदर ये नहीं तय हो पा रहा है कि दो पद रहे या एक पद, यानी चेयरपर्सन रहे और कन्वेनर दोनों रहे या फिर कोई एक पद। इन तमाम चीजों पे अभी इंडिया गठबंधन के अंदर कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन आज शाम तक शायद दूर हो। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ममता बनर्जी अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं अनौपचारिक तौर पर और फिर बैठक, फिर ये तय किया जाएगा कि आगे क्या कुछ किया जाए। उद्धव ठाकरे से भी बात होगी। जी लेकिन नीरज, इस बीच सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं तो और कौन? देखिए, नीतीश कुमार के संयोजक का प्रस्ताव आया, उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले में एस्पिरेंट नहीं है, यानी उन्होंने अपनी दिलचस्पी इस पूरे पद पर पूरे पद में नहीं दिखाई, संयोजक के पद में नहीं दिखाई। हालांकि जेडीयू का मानना रहा है कि उन्हें संयोजक बनना चाहिए। जी, जेडीयू का मानना रहा है उन्हें संयोजक रहना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार इससे इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष बनाने के ऊपर सभी पार्टियां सहमत दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार ने गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। लगातार ये खबर न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है। अब इसे लेकर जब गठबंधन के नेता डी राजा से हमने बात की तो उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा बोलने से साफ इनकार कर दिया। डी राजा, उनकी तरफ से कहा गया जो वो आपको बताएंगे, लेकिन जेपी नड्डा का भी अब इसके ऊपर बयान सामने आ चुका है, रिएक्शन उन्होंने भी दे दिया है। वो कह रहे हैं इनका एजेंडा परिवार बचाओ और संपत्ति बचाओ है। पूरे इंडी गठबंधन की बात वो कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडी गठबंधन का एकमात्र मकसद है परिवार बचाओ। ये सिर्फ आभासी गठबंधन है, असल गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ वर्चुअल बैठक करते हैं, जैसे आज की भी बैठक हुई। अब इन तमाम बातों के ऊपर कटाक्ष करते हुए जेपी नड्डा दिखाई दिए और साफ साफ उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये आभासी गठबंधन है। जैसे वर्चुअल बैठक हुई ना, आप उसी का हवाला देते हुए कटाक्ष उसके ऊपर कसते हुए, तंज कसते हुए जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया वर्चुअल बैठक होती है और वैसे ही आभासी गठबंधन भी है। तो न्यूज सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहां मीटिंग चल रही है, मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही, वर्चुअल मीटिंग हो रही है क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है, उनका एजेंडा क्या है, मोदी हटाओ, ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है, एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। एक बात स्पष्ट है कि आज के बाद से इंडी गठबंधन के टूटने का पहला की लग गया। जब किसी गठबंधन की जब न कोई नीति होगी, न नियत होगा, न नेता होगा, तो कभी संयोजक के लिए मार होगा, कभी अध्यक्ष के लिए मार होगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष बनाने पर सभी पार्टियां सहमत हो गई हैं, जबकि नीतीश कुमार ने गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया। और इसे लेकर जब गठबंधन के नेता डी राजा से बात की गई तो उन्होंने इस पर ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया। बैठक में सीपीआई के महासचिव डी राजा भी शामिल थे। राजा साहब, क्या फैसला हुआ आज बैठक में या क्या सहमति बनी? नंबर वन, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया अलायंस आई बीन आस्क्ड टू स्टार्ट द सीट शेयरिंग नेगोशिएशंस एंड कंक्लूड द नेगोशिएशंस एज अर्ली एज पॉसिबल। मिस्टर खड़गे कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ द इंडिया अलायंस, दैट हैज बीन अग्रीड अपॉन। कन्वीनर द नीतीश कुमार नेम केम and the those who were present they were all for him.
सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। नीतीश कुमार के संयोजक का पद ठुकराने के बाद कुछ दलों ने लालू यादव के नाम का प्रस्ताव भी रख दिया। बताया यही जा रहा है कि इस पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो लालू जी को ही संयोजक बना दीजिए। बड़ी खबर, कुछ दल ये भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव संयोजक बन जाए, और जब इसके ऊपर नीतीश कुमार से रिएक्शन लेने की उनके मन के भाव समझने की कोशिश की गई तो वो कह रहे अगर ऐसा है, मतलब दल ऐसा चाहते हैं कि लालू यादव संयोजक बन जाए, तो फिर लालू जी को ही संयोजक बना दीजिए। वैसे भी संयोजक बनने से इनकार नीतीश कुमार की तरफ से तो कर ही दिया गया है। अब लालू प्रसाद का नाम सामने आ गया, वैसे भी बिहार में दोनों गठबंधन की सरकार चली रही है आरजेडी और जेडीयू की, तो ऐसे में इनकार कर नहीं सकते नीतीश कुमार शायद, और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा है तो फिर लालू जी को ही संयोजक बना दीजिए। अब बड़ी बात ये, एक नाम के ऊपर सहमति आखिर बने कैसे? नीरज का रुख करेंगे। नीरज, सवाल वही बार बार उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो और कौन, क्या लालू रेस में है? देखिए, एक बात बहुत साफ साफ कह सकते हैं कि बहुत गंभीर तरीके से, जितनी गंभीरता चेयरपर्सन का पद हो या संयोजक का पद हो उसको लेकर इस बैठक में दिखाई नहीं गई। हालांकि जेडीयू और बहुत सारे दल ये मानते रहे कि एक कन्वेनर का पद होना चाहिए, जब से नीतीश कुमार ने सभी दलों को एक साथ जोड़ा, लेकिन आज की बैठक में बहुत गंभीरता नहीं दिखाई गई। और उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीट शेयरिंग पे पहले बात हुई, फिर न्याय यात्रा का इन्विटेशन दिया गया, तो कई तरह के प्रस्ताव आए। जो सूत्रों से खबरें आई हैं हमें, उसमें ये भी आया कि लालू यादव का भी प्रस्ताव आया, लेकिन इस तरह के प्रस्ताव आए और गए, लेकिन मूल बात यह थी कि चेयरपर्सन के प्रस्ताव का जब जिक्र आया तब खड़गे के नाम पे सभी सहमत हैं। नीतीश कुमार की जहां तक बात आई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि वो एस्पिरेंट नहीं है, यानी दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन इस मसले पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे बाकी दलों से बड़े दिखाई नहीं दे रही, बात करेंगे और तय करेंगे। दिखाई जानी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया।